आप फोन लेने का सोच रहे हैं और चाह रहे हैं एक और 5G फोन मिल जाए 15,000 रुपए में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम बात करते हैं Redmi 12 5G के जो है मॉनस्टोन सिल्वर, और इसके अंदर मिलता है आपको 4GB रैम के साथ 120GB इंटरनल स्पेस, और ये फोन 11,999 रुपीज़ का यानी कि 12,000 रुपये का आपको ये पड़ेगा Amazon पे। आप इसे जाके ले सकते हैं Amazon के ऊपर, और ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इसके अंदर जो आप फीचर और कैमरे की बात करें, इसके अंदर भी आपको Android 13 का सपोर्ट मिलता है। स्पेशली बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है Snapdragon का 4th Gen सेकेंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर आपको 8GB का जो रैम मिलता है वो इंक्लूडेड है 4GB वर्चुअल के साथ। तो अगर आपको 4GB मिल रहा है तो आपको 8GB एक्सपेंड वो ही उसके अंदर ऑटोग्रेडेड अपडेट का रहेगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब हम की बात करें कैमरे की, तो कैमरा जो है उसका वो है 15MP का कैमरा विद क्लासिक फिल्म फिल्टर्स। इसके अंदर फिल्म फिल्टर्स हैं, फिल्म पोर्ट्रेट का आपको ऑप्शन मिलता है नाइट मोड का, और इसके अंदर टाइम लैप्स और गूगल लेंस के ऑप्शन भी मिलेंगे। और इसके बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 5000mAh की बैटरी, जो कि है काफ़ी बढ़िया, और बट आपको इसके अंदर मिल जाएगा 22.5W का चार्जर जो मिलता है बॉक्स के साथ, और इसके अंदर आपको मिलता है MIUI का विद Android 13 वर्जन। इसके अंदर आपको मिलेगा साइड फिंगर होगा इसके साइड के साइड पे, और IR ब्लास्टर के साथ। इसके अंदर आपको जैक मिलेगा 3.mm का ऑडियो जैक, जो कि है FM 553 रेटिंग के साथ। जो हाइट है वो है 6.79 इंच की, बड़ा ही रहेगा। अगर आप बड़े फ़ोन के शौकीन हो तो आप इस फ़ोन की ओर जा। इसका जो वेट है वो है 199 ग्राम, और इसकी जो वारंटी है वो मिलती है कंपनी की वारंटी और डिवाइस की, और जो एक्सेसरीज है उसकी मिलती है 6 मंथ। अगले फ़ोन की बात करें तो वो है लावा ब्लेज का 5G फ़ोन। इसके अंदर आपको मिलता है 8GB का रैम 128GB इंटरनल के साथ। इसके अंदर भी आपको मिलता है 5G फ़ोन सपोर्टेड 50MP AI ट्रिपल कैमरा के साथ, ठीक है। इसके एक्सपेंड कर सकते हो अपने रैम को, चार्जर इंक्लूड है इसके अंदर। ये आपको मिलेगा 11,999 रुपीज़ का। इसके अंदर आपको तो कर दो अप्लाई ओपन, फिर आपको ये पड़ जाएगा और सस्ता 11,500 रुपये तक आपको ये फ़ोन मिलेगा लावा का ब्लेज 5G फ़ोन। और आपको इसके अंदर फीचर की बात, इसके अंदर भी आते हैं 3 वेरिएंट 8GB 6GB और 4GB का। 6GB का जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 10,999 का, और जो 4GB का वो आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ का। तो ये 3 वेरिएंट है, आप तीनों के ऊपर जा सकते हो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आप ये भी 5G सपोर्ट करता है, 6-7 का इसके अंदर ये वेरियंट है, और 8GB रैम का सपोर्ट भी है। इसको आप एक्सपेंड करते हो 1TB तक वर्चुअल रैम के साथ। इसके अंदर आपको मिलता है 90Hz का डिस्प्ले विथ Android 13 का सपोर्ट और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको बैटरी का सपोर्ट मिलता है 5000mAh की बैटरी विद साइड फिंगर सेंसर, और आपको इसमें मिलता है 2.2GHz का सपोर्ट। और हम इसकी हाइट की बात करें वो है 6.25 इंचज़ का। इसके अंदर कैमरा आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों मिलते हैं। इसके वेट की बात करें वो है 2.207 ग्राम्स, और इसके वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की वारंटी विद एसेसरीज ऑफ 6 मंथ्स ऑफ वारंटी। बाकी नेक्स्ट फोन की बात करें तो वो है सैमसंग गैलेक्सी का M14 5G फ़ोन, और इसके अंदर आपको मिलता है 6GB का रैम 128GB इंटरनल 15MP ट्रिपल कैमरा के साथ। तो इसके अंदर ये एक नई बात है, क्योंकि सैमसंग अपने कैमरे के लिए वैसे फेमस रहता है। और इसके सेगमेंट की बात करें तो इसके जो बैटरी पावर है वो है 6000mAh की सबसे ज़्यादा, और इसके जो 5nm का प्रोसेसर भी है 2nd Gen OS अपग्रेड के साथ। और इसके अंदर जो मिलती है आपको 4 ईयर अपग्रेड सिक्योरिटी अपडेट की वारंटी। इसके अंदर मिलता है आपको Android 13 का सपोर्ट विदाउट, बट ये फ़ोन आपको मिलेगा विदाउट चार्जर, जो कि है एक बड़ा सा इशू। तो आप ये देख के करना कि आपको ये फ़ोन लेना है बिना चार्जर के या नहीं। इसके साइज़ की बात करें तो ये है 6.6 इंचज़ का फ़ोन। इसके अंदर 3 कैमरा मिलता है आपको 15MP 2+2 का, और फ्रंट आपके मिलता है 13MP का। इसके वारंटी की बात करें तो ये 1 ईयर की वारंटी विद 6 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चर वारंटी बाकी चीज़ों के एसेसरीज़ के, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ़ोन बता दिया है। अगर आपको बजट है इतना और आप जा सकते हो करीब 12,990 के पास, तो आपको ये फ़ोन करेगा सूट, क्योंकि इसके फीचर हैं खासू। हम लोगों ने अगले फ़ोन की बात करें तो वो है आपका Realme का Narzo 60X। इसके अंदर ये भी एक 5G फ़ोन है, और इसके बात करें इंटरनल स्पेस की तो इसमें आपको मिलता है 6GB रैम 128GB। ये आपको उससे दो महंगा मिलेगा, बट आपको Amazon पे ऑफर्स अभी मिल जाएंगे, क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न है, तो आप अभी जाके भी Amazon से ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है 2TB का एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन, बहुत ही एक बढ़िया ऑप्शन रहता है इसमें। आप इसके अंदर 4G के वेरिएंट में भी जा सकते हैं। ये भी 5G ही फ़ोन पड़ेगा, बट इसका रेट जो है वो कम हो जाएगा रैम वाइज,
तो ये आपको पड़ेगा 11499 का 11500 रुपये का, और जो 6GB का है वो आपको पड़ेगा 13500 रुपये का, 500 डिस्काउंट सर ऑल ओवर 13000 का, जो कि मेरा आपको प्राइम पे दिखा सकता हूँ, मेरे को 500 का ऑप्शन शो कर रहा था, कूपन शो कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके अप्लाई कर दें और फिर ये चेकआउट पे आपको बाद में शो हो जाएगा जब चेकआउट करोगे कार्ड वार्ड डाल के डिटेल्स तब, ठीक है। और हम इसके डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है 13 एंड्रॉयड का वर्जन सेम एज फोन, ठीक है, अपडेटेड वर्जन है। और इसके अंदर आपको मिलता है 33 वॉट का पावरफुल चार्जर जो कि आपके फ़ोन को चार्ज करेगा 30 मिनट्स के अंदर अगर आपकी बैटरी होती है 50%, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया है और 70 मिनट एक घंटे डेढ़ एक घंटा 15 मिनट के आसपास ये आपकी पूरे फ़ोन को चार्ज कर देगा। इसके बैटरी की बात करें तो वो है 5000 mAh की बैटरी और इसके अंदर आप काफ़ी बढ़िया है, इसके अंदर स्मूथ आप गेमिंग भी खेल सकते हैं। इसके कैमरे की बात करें तो इसके अंदर है 15 megapixel का कैमरा प्राइमरी कैमरा जो कि है फोटोग्राफी और स्ट्रीट के लिए सबसे बढ़िया होगा या आपके स्ट्रीट व्यू या फोटो की। इसके अंदर है फिंगरप्रिंट बैक साइड का, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। इसके हाइट की बात करें तो इसके अंदर आपको हमें हाइट मिलता है 6.72 इंचेस का और इसके और इसकी वारंटी होगी 1 ईयर की वारंटी विद 6 months ऑफ एक्सेसरीज की वारंटी, ठीक है। तो आप ये फ़ोन के लिए भी जा सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है 13500 तक आप जा सकते हैं तो आप ये फ़ोन प्रेफर करना। और हम अगले फ़ोन की बात करें तो वो है हमारा नेक्स्ट फ़ोन रेडमी नोट 11T 5G फ़ोन। इसके अंदर भी आपको मिलता है 6GB का रैम 12GB का इंटरनल स्पेस और इसके अंदर जो डायमेंसिटी मिलती है वो 810 की 5G और इसके अंदर भी है आपका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो कि है 33 वॉट का और इसके अंदर चार्जर है इंक्लूडेड, तो ये एक अच्छी बात है। ये भी आपको पड़ेगा 14000 के आसपास, 13099 का आपको ये पड़ेगा अमेज़ोन पे जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको ये 6GB का और एक 8GB का वेरिएंट जो कि अभी अवेलेबल फिलहाल नहीं है, और ये आपको 8GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 19000 का पड़ता है और जो 6GB वाला है वो आपको पड़ता है 14000 के अराउंड का। तो 14000 का आपको 6GB का वेरिएंट मिलेगा Redmi Note 11T का 5G फ़ोन है ये भी और इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो MediaTek का है 810 और इसके डिस्प्ले की बात करें तो वो है 6.6 का फुल HD स्क्रीन विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो ये भी एक अच्छी बात है, आपको गेम खेलने में भी काफ़ी आसानी होगी। और उसके कैमरे की बात करें तो उसका भी है 50 megapixel का फ्रंट प्राइमरी कैमरा विद 8 megapixel अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ। और इसके बैटरी की बात करें तो आपको इसके अंदर मिलता है 5000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपको मिलेगा साथ ही अमेज़न की तरफ से 2 month का YouTube का सब्सक्रिप्शन, 3.7 का इसके अंदर चेक मिलेगा, कहीं आप बाहर से लीड खरीदे तो ध्यान रखिएगा कि वो 3.mm की ही हो। इसका जो वेट की बात करें तो वो है 195 ग्राम का और इसके एंड्रॉयड की बात करें तो वो है एंड्रॉयड 11 MIUI 12.5 जो कि है थोड़ा पुराना गाइस, बस अब यहाँ पे मात खा सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट कि चेक करें आप एक एक चीज़ों को लेने से पहले। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगी अगर आप इस एंड्रॉयड थोड़ा पुराना करके बाकी फीचर्स लेना चाहते हो, बाकी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप इस फ़ोन के ऊपर जा सकते हो।